छोटे डिस्टेंस में इसकी पूरी बारिश में हालत खराब हो गई। ये देखो ये पूरी जींस भी दिख गई इधर से, चलते हैं। शुरू करता हूँ ब्लॉग। इन ऐसा खतरनाक डार्क मौसम है, नींद अच्छी मिली तो भाई साहब वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मुंबई का कैसी लगी बारिश? बैंड बजा दिया अच्छी बारिश में तो, है ना, तो बढ़ती ही जा रही है। मतलब अगर वेदर ऐप खोल के वार्निंग आ रही है देन समथिंग इज वेरी वेरी सीरियस। और ये देखो हमारी, ये देखो मुझे फोन में देख रही है कि बाप पढ़ के क्या देख रहा है। चुटकू चुटकू, व्हाट वाज यू रीडिंग? You are trying to read what I am reading in my phone. Good morning, sweetheart. Wow. What are you looking at? Should I kiss your mother? बात करने की कोशिश कर रही है। मम्मी, कुछ मत करो, खुद ही लाएगी अपना मुंह। बहुत रेयरली ये पूरी खिड़की खोलती है। टुडे इज दैट डे जो आज पूरी खिड़की खोली रहेगी। यहाँ पर कोई टेंशन नहीं, बहुत अच्छा व्यू मिलता है, हवा आती है। बात करता हूँ ना तो स्काई मेरे को देखती रहती है पूरे टाइम। देखो। सो थैंक यू, आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कौन सी बाइक लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग जुपिटर 125 और दूसरा आई थिंक क्या बोला हिटू TVS Ntorq, ये सब बोल रहे हैं। और भी बहुत सारी स्कूटर्स हैं, मेल भी आ रहे हैं, तो अभी सब चीज़ का रिव्यू चेक करूँगा, देखूँगा फाइनल कौन सा करना चाहिए। सही बोल रहे हिटू, है ना। Gonna go for a ride also, sir. बारिश में भीगा, but no, now you're too small. You'll get sick. We don't want you to get sick. Afterwards, when you're older, na, hey, don't pull my hair. ये देखो बाल पकड़ रही है मेरा। इसको मैंने यहाँ रखा था, यहाँ से रेंग यहाँ पर आ गई। Can data work? Can should data work? ये बेटा मजाक करा रहा, Google तो चिल्ला रहा हूँ। फ्रेश होवानू, बड़ा पाव खावानू, चाय पीवानू, मजा नहीं लाइफ स्किटो, यू कैन एंजॉय दैट। मेरी मम्मी ऐसी बुखार हुई ना अभी, और मम्मी का गला पकड़ रहा है मौसम की वजह से। आई एम वरीड, तो आई डोंट वांट टू ईट ऑल दैट। मैं बीमार पड़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तो काफी टाइम से बीमार नहीं पड़ा, सिर्फ अभी संस्कार गया था तो हल्का हल्का मेरी एक दिन के लिए बैंड बच गई थी। आई वॉज लाइक अक्यूट माउंटेन सिकनेस थोड़ा हो रहा था मुझे, और मैंने अपनी वाली मैगी खा ली थी तो हल्का सा वो फूड पॉइजन क्या हुआ सब ऐसा। मेरा बापू जो बोलता है मैं सुनती है ये अपने आप को, ओहो अपने आप को देखने आ गया रही है। नॉट गोइंग टू द एज ऑफ द बेड, स्टे हियर, दिस इज द बॉर्डर लाइन, यू शुड नॉट क्रॉस द बॉर्डर लाइन। अच्छा अभी से नहीं सुनने का, दैट इज रिस्की एरिया स्किटू। इतना फास्ट चली जाती है ना। अरे हाथ खारी, हे बदमाश लड़की। घूमी। और अभी हम फिर से रेडी हो गए हैं। स्काई को अभी बहुत मजा आता है ऐसे बाहर जाने के लिए, और छोटी सी चीज लेके आनी है बाहर से, थोड़ी सी ग्रोसरी लेके आनी है। तो शानी सब तो रेडी हो रही है, मैं स्काई जरा बारिश में जाएंगे छाता लेके, नो पोंचो, बिकॉज स्काई वोंट फिट इन द पोंचो एंड स्काई वोंट बी एबल टू एंजॉय, ताकि स्काई भी एंजॉय करे मैं भी एंजॉय करूँ अच्छे से। हम लोग छाता लेके जाएंगे स्काई। क्या बोलती है, आवाज कहाँ से आ रही है छाता की, जो पानी लग रहा है छाता पे। बच्चे लोग का क्या क्या एक्सपीरियंस रहता है ना, फर्स्ट टाइम बारिश, फर्स्ट टाइम अभी स्नो देखेगी स्काई। होपफुली अगर इस साल के एंड में हम कहीं गए तो ऐसी जगह पे इंडिया में या बाहर किधर भी, हाँ स्काई हो, काई को धीरे धीरे नींद आएगी। मेरा ना सॉलिड मन था आज स्कूटर या बाइक लेके बाहर मुंबई में जाने का, बिकॉज जब भी ऐसी बारिश होती है ना हर जगह पानी भर जाता है, तो एक अलग ही कंटेंट भी बनता है और थोड़ा हमको भी मजा आती है। बिकॉज मुझे पता है मेरी बाइक तो पर्सनली है नहीं, जैसे की बात कर रहा हूँ मैं, 2-3 साल पहले एक बार टाइगर लेके गया था, बट अभी जितना GoPro एडवांस हो गया है, जितना सब यू नो सब सिक्योरिकल कर सकते हैं, 3-4 साल पहले उतना नहीं कर सकते थे। तो क्या कोई नहीं, ये बारिश छोड़ने लास्ट बारिश है, जब अगली बार होगी तब शायद निकिता कोई घर पर होगा ना, तो मैं स्काई को शनिस्कर अकेले छोड़ के जा सकता हूँ। इस सिचुएशन में लोग बहुत डर जाते हैं कि बारिश हो रही है कहाँ। अभी देखो पवई में इतना पानी नहीं भरता है, लेकिन दादर साइड, मलाड साइड, अंधेरी साइड, बांद्रा साइड, मतलब बेसिकली पवई के अलावा मोस्टली हर जगह बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। यूजुअली आफ्टरनून के टाइम पे गार्डन पूरा भरा रहता है, इवन व्हेन इट्स रेनिंग ड्रिजलिंग तो भी भरा रहता है, बट आज इतनी बारिश है ना कि कोई भी नहीं है इधर, मतलब ज़्यादा के लोग घर में मेड भी नहीं आई है, बिकॉज ऑब्वियस रीजन अच्छा ज़्यादा बारिश है। मैं जब भी स्काई को बाहर लेके आता हूँ ना, वो एकदम शांत रहती है, बस लेफ्ट राइट देखती रहती है। सेम थिंग वो करती है गाड़ी के अंदर, मतलब गाड़ी के अंदर उसको माँ बाप नहीं दिखते,
उसको सिर्फ सामने का रोड दिखता है, फिर लोग है ना बस सराउंडिंग देख, एक सेंस ऑफ क्या बोलो अचीवमेंट फील होती है। इसके लिए बाहर लेके आता है उसको इधर उधर अलग अलग जगह, कभी कभी बिल्डिंग के उस साइड, कभी बिल्डिंग के इस साइड, कभी वो गार्डन में, अभी यही गार्डन में लेके आया मैं इसको, और बस देखती रहती है। देखो अगर आपके बच्चे हैं, किसी को जानते हो बच्चे हैं, तो घर में मत रखो, थोड़ा बाहर घुमाओ, उनको भी अच्छा लगता है, मेंटल डेवलपमेंट के लिए अच्छी चीज़ है। और ये एक बहुत ही सही जगह है हमारी बिल्डिंग में, तो यहाँ पर खड़े रहकर एक अच्छी वाली फ़ोटो ले सकते हैं। मैंने किसी को तो बोला था कि यहाँ पर ना एक पंख विंग्स ड्राइंग कर दो, वैसा खड़े रहेंगे, पता है दुबई में कैसा है, पीछे बुर्ज खलीफा है और यहाँ पर ऐसा विंग है, तो यहाँ पर वैसा आ जाएगा। अब मेरी बात कितनी सीरियसली लेते हैं वो तो मालूम पड़ेगा इन लोगों को, बट ये तो कोई ऐसा ग्राफिटी से भी ड्राइंग कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। और बहुत ही संभल संभल के कदम रखना पड़ता है, मुझे नहीं चाहिए कि मैं स्काई व्यू के साथ किधर फिसल के गिर जाऊँ। एनीवेज बहुत ज़्यादा वॉकिंग हो गई है, थोड़ा चिपचिपा लग रहा है, स्काई व्यू को भी थोड़ी नींद आना शुरू हो गई है, इसका मन बोल रहा है गिव मी दुदू एंड लेट मी स्लीप। इसको ना मुझे ये चीज़ की आदत दिलानी है, बिकॉज जब मैं ट्रैवल करूँ तो मुझे नहीं चाहिए इसको पूरा टाइम तो मैं हाथ में पकड़ूँ या तो स्ट्रॉलर में लेके जाऊँ। तो अगर इसको इसमें रहने की आदत हो गई बेबी कैरियर में रहने की, तो जब हम लोग कहीं बाहर ट्रैवल करेंगे, इंडिया में रहने दो, कहीं कंट्री के बाहर रहने दो, तो ऐसा लेके इसको घूम सकता हूँ। हाँ हो गया, उसको अभी नींद आ रही है, निकाल रहो फाइनली इसकी चीख निकली। इसका रोना भी कितना क्यूट ना। तो बेसिकली जब भी मैं थकूंगा अपन को स्क्वाट्स मारने का। अरे पहले इसको निकाल। हाँ निकाल, तो निकाल ही रहा हूँ ना, अभी मैं शानिस की हेल्प इसमें इसलिए नहीं ले रहा। आ जाओ बेटा, आ जाओ, हो गया दूध इज रेडी, विल फीड यू एंड देन यू कैन गो टू स्लीप। आ जाओ बेटा, आ जाओ। इसलिए नहीं रो, इसको लगा, इसको ना अभी भयंकर नींद आ रही है, एज आई सेड अभी दूध पिएगी आउट हो जाएगी, तो ये छिड़ जाती है, बच्चे छिड़ते रोते हैं, तो पकड़ सकता हूँ। हाँ बाबू दूध इज कमिंग, मिल्क इज कमिंग, सी फुल आउट है। इतने छोटे डिस्टेंस में ऐसी बुरी बारिश में हालत खराब हो गई बाप, अगर मैं लंबा जाता ना स्कूटर में तो पूरा भीग गया हूँ यार। ये देखो ये पूरी जींस भी भीग गई, इधर से चलता है मगर ये मम्मी को मिलना है, थोड़ा मम्मी को बोलूँगा दवाई खाओ टाइम पे, सूप वूप कुछ पी नहीं रही है, खाएंगे नहीं तो रिकवर कैसे होएंगे भाई। रिकवर किए डोंट वरी, मेरी मम्मी ने मुझसे भी कम ड्रामे मच दी, मेरा मुँह मत दिखा, इतनी गंदी लग रही, मना किए गए मम्मी यार, माँ तो माँ होती है बट ठीक है। Now she's feeling a little better. Almost. Dada, say daddy. How dada you say daddy? Dada. Oh my God, we good. ये ले गाड़ी ले ले, कहाँ जा रहे हो? तो गाड़ी का दिल भी ले लेंगे। निकल के तो जैसे हनुमान ने किया था ना ऐसा, राम और सीता जी थे, हमारा करेगा तो स्काई रहेगी। कब से आ जाए, पूरा दिन मुंह ही हिला रही है। नहीं वो रात को ना प्रैक्टिस कर दी बिना कोई आवाज कैसे। ए ए ए दादे दादे, अरे मेरी जान, मैंने क्या पुण्य किए थे, क्या मैंने अच्छा कर्म किया था बाबू। यूर ही सच अ फास्ट पिकअप पर्सन, डैड लिप्स के साथ कर रहे हो। मैं पूरे दिन उसको यही सिखाती हूँ चीजें बोलना। कम ऑन स्कायू, टाटा डैडी। थक गई, ब्रेक टाइम टाइम बस करो यार, वो घड़ी का खेल ले डैडी। वाओ, वो तो मुझे कनाडा में सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती थी, जब शैनिस घर पे खिचड़ी या फिर दाल चावल बनाती थी, और ये वही फ्रेम, एक्चुअली रिवर्स फ्रेम है, कैमरा वहां पर रहता था क्योंकि लाइट यहाँ से आ रही है, वहाँ पर लाइट यहाँ से आ रही है। नॉर्थ योग में रहते थे वो बेसमेंट वाले फ्लैट में, बिकॉज मस्त वाली बारिश हो रही है। शैनिस ने बोला आज मैं घर पे ना तेरी फेवरेट, तो यूजुअली घर पे खाता हूँ मैं, लेकिन मेरा अलग डाइट रहता है, इसने अलग अभी। और स्काई का नैप नहीं हुआ बिकॉज हम लोग ड्राइव पे नहीं जा रहे, तो बीच में चला नैप भी नहीं हो रहा, और क्या एनर्जी लेवल है बाबा इसकी रे बाबा, मेरी पड़ गई और मैं दोनों थक गए बड़ी। Ah!
आज बाकायदा स्काई सोई नहीं है पूरे दिन में। यूजुअली दिन में सोती तो 3 घंटा बिल्कुल नहीं सोई, और हम आज बाहर भी नहीं गए। सोचा गाड़ी में सो जाती है कभी कभी इसका, एक्चुअली 1 घंटे का नैप तो एवरीडे गाड़ी में रहता है, बिकॉज ऑफ द रेन वी डिडंट वेंट आउट। हम लोग प्लान कर रहे थे बाहर जाने का, साहिल का, सुरन पर सबका फोन आया, उन्होंने बोला आज बाहर मत निकलना, बहुत जगह पानी भरा है, और जहाँ पानी नहीं भरा है वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रही है। सो माइट एज़ वेल बी लाइक वील स्टे एट होम। तो आप देखा आपने, हार्डली मेरे को वॉक के लिए लेके गया था, और अभी हम लोग लेके चल रहे थे इसको गाड़ी में सिर्फ पवई का राउंड दिलाने के लिए, ताकि ये सो जाए। बीच में अभी 10 मिनट सोई थी और उठ गई, क्योंकि इतनी गहरी नींद में थी कि इसको रियलाइज ही नहीं हुआ कि उठने के बाद कि ये नींद में कि क्या है। तो अभी शैनस इसको दूध पिलाएगी फाइनल सुलाने के लिए। चलो गाइस, यहाँ के लिए बस इतना रखते हैं। आशा करता हूँ आपने ये व्लॉग और आज का मौसम जो है एंजॉय किया होगा, वड़ा पाव खा के या फिर माँ की हाथ की खिचड़ी या फिर चिकन और राइस व्हाटएवर खा के। अभी वेदर फोकस बोलता है कि कल, मतलब आप लोग के लिए आज, जैसे आप आज वीडियो देख रहे हो, आज भी तूफानी तहलका बारिश होने वाली मुंबई साइड में। और मैं शानिस को बोल रहा था, जो भी मुंबई से लेकर कोल्हापुर साइड गया, गोवा जा रहा रहेगा ना, मतलब उसको तो ट्रीट मिलेगी या फिर भयंकर बारिश मिलेगी, डिपेंड आप कौन सी गाड़ी में कौन से व्हीकल में जा रहे हो। सो व्हाटएवर इट इज, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस व्लॉग विद द सेर एज ऑलवेज। शुक्रिया विद द मास्टर मैं, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर योर माय लवली फ्रेंड्स। आड़ी जुमे को शबक है, टेक केयर, बाय बाय। बहुत मन कर रहा है यार एक ट्राइप पे जाने का, लेकिन कुछ दिन में जाएंगे, बस बारिश ऐसी।